बिजनौर से बड़ी खबर, सगी मां ने किया ऐसा काम, गांव में पहुंची पुलिस, किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र अंतर्गत सगी मां ने अपनी 4 वर्षीय पुत्र के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया कि देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया और क्षेत्र में खबर आग की तरह फैल गई। आइए जानते हैं संबंध में परिजनों का क्या कुछ है कहना। सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले? जलालपुर से। क्या मामला हुआ आज? मामला जी, हम सुबह जंगल चले गए थे, जब जंगल से आए तो मैं तो पीछे रह गया, छोटा वाला हल्कन ट्रैक्टर लेकर आ गया, मैं गाड़ी ला रहा था तो उसने किलनी मुझे ना मर गया। मगर एक क्या दिक्कत है, मैंने ट्रैक्टर उठे के नीचे आ गया था, अच्छा कोई तो मैं हमें घुस बुग्गी छोड़कर भाग गया। ऐसी आगे देखा तो आग में बल रही और उसमें लोंडा रखा, तो उस हमने जो फेंक के उठाया ना, तो उसके बाद एक भाग का हमारे पीछे फाला लेकर भगी और हम काट दूंगी मार दूंगी नहीं छोड़। हम फिर ठाक लूंगा भाग भाग कर सीधे बिजनौर ले गए थे। तो बच्चा खत्म, बिजनौर खत्म हो गया। अच्छा, ये महिला कौन थी? ये माँ थी, बच्चे की माँ। लड़के की माँ थी? ये बच्चे की माँ, बच्चे की माँ। अच्छा, तो किस बात को लेकर? कोई कुछ कोई बात नहीं थी, सब राज्य से चाय पानी पी के हम अपने जंगल गए, छोटा वाला भाई अपने जंगल चले गए हमारे साथ ही, हाँ चलो जंगल ही जाएंगे। परिवार में कोई कल है? कोई वो नहीं थी। वहीं मां के द्वारा सगे बेटे की फावड़े से हत्या कर शव को जला दिए जाने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी की और संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी मां को पुलिस हिरासत में लेकर की जा रही वैधानिक कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपने देखा अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। पूरा मामला जलालपुर हसना भोड़ निवासी कपिल की पत्नी आदेश देवी ने अचानक अपने ही बेटे हर्ष पर सुबह करीब 9 बजे फावड़े से प्रहार कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं पुलिस आरोपी मां को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई में जुट गई है। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। DPP News से इसरार अहमद की रिपोर्ट।